Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. आज ब्लॉग किया है, एक साल हो गया. हम सिर्फ त्योहारों पे ब्लॉग कर रहे हैं. त्योहारों में नहीं, जैसे मूवी आती ना साल में. दिवाली, होली, करवा चौथ और बर्थडे. हॉलीवुड ये तो इसमें तो वो भी नहीं है बिल्कुल. ये देखो, ये देखो, अरे बाप, ये देखो, ये लो. जान के थोड़ी ना मारा, वो तो गेम खेल रहा था ना भाई. गेम में तो ऐसे चलता है ना. न्यू व्लॉग. आज पूरे एक साल बाद व्लॉग कर रहे हैं. लास्ट शायद व्लॉग एक साल पहले ही आया था. और क्यों नहीं किया, क्योंकि मन नहीं कर रहा था ना. हम मन ही नहीं कर रहा था. हाँ, आज मन किया तो आज कर रहे हैं. बर्थडे बॉय ने नहा लिया है और मैं नहाने जा रही हूँ. नीचे अभी नीचे सोई है, जल्दी से जाते हैं. ओलिवर के डर के मारे भी नहा लो. तो जैसा कि इनका बर्थडे है आज, तो इनके लिए मैंने गिफ्ट नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया है, सच में कुछ भी नहीं. और मैं केक भी नहीं मंगवा रही, क्योंकि ये मना कर रहे थे कि केक भी मैं घर में बना रही हूँ. तो इनके पास आज, हाँ, मैं ऑप्शन दे रही हूँ कि ये कुछ भी खाएंगे. मतलब 3-4-5 कोई भी डिशेज होंगी जो ये मेरे हाथ से खाना चाहते हैं, तो वो मुझे बता सकते हैं, वो मैं बनाऊंगी आज इनके लिए. सॉरी, मैं कुछ नहीं खाना चाहता. अगला 2 टाइम का पानी. बताओ तो. अगला समोसे. मतलब एक ही खाना मेरा वैसे ही मन कर रहा है, कभी कभी मन करता है. समोसे, क्योंकि अभी कुछ तैयारी नहीं है, तो मैं शाम तक बना दूंगी कंफर्म. मतलब अभी नहीं, मतलब पूरे दिन. हाँ ठीक है, शाम को बना दूंगी. अगला सुबह के नाश्ते में खीर. खीर, हाँ ठीक है. और जब भी खीर बनाओ, क्योंकि उसके लिए चावल भिगाने पड़ेंगे. भिगा दिए मैंने. भिगा दिए. अरे पहले से क्योंकि इनको खीर पसंद है. तो मैंने हो गया दाल मखनी. सामान है. हाँ सब है. एक दाल नहीं है, वो मैं ले आऊंगी जाके. भी रात को हो गया रोटी. रोटी के साथ सब्जी वो पनीर वाली, पनीर और वो शिमला मिर्च वाला जो भी है. कढ़ाई पनीर ठीक है. क्या चाय विद सीक्रेट मसाला? नवल को पसंद आएगा. तो ये सीक्रेट मसाला जब से हम लोगों ने बनाया, मतलब तुमने बनाया, उसके बाद से चाय किसी से पसंद आती है. लेकिन हाँ, अच्छी नहीं लगती. हाँ, तो जी यहाँ पे चाय रेडी हो गई है. अब चलते हैं बर्थडे बॉय के पास. इतने ऊँचे हो रहे हो तुम. लो, पहला टास्क पूरा. चाय का पहला घूंट ले रहे हैं. देखते हैं, पहले मैं बोनी हूँ और उसके बाद तुम्हारे सामने और लग रहे हैं. जबरदस्त. कैसे? इसके खुशबू से ही अलग ही पता चल जाता है. नित्य के जैसे. नित्य देती है हमारे जो पैसे दिखते नहीं है. तो डिसाइड हुआ है कि मैं समोसे बना रही हूँ. अभी सब सामान है, बस एक चीज नहीं है नवल. वो है आमचूर. उसमें क्योंकि खट्टापन जो टेस्ट आता है ना आमचूर वाला, उससे ही आता है. तो इसलिए अभी नवल जाके ले आएंगे. बाकी सारी तैयारी अभी हो गई है. आज पता है क्या है? आज डैडी का बर्थडे है. हम तो केक खाएंगे. केक के नाम पे देखो. क्या खाएंगे? पहले डैडी को हैप्पी बर्थडे बोलो आज. हैं? तो केक क्यों खाओगी फिर? अब करेगी लग रहा है प्यार. डैडी को प्यार करो पहले. हैप्पी बर्थडे बोलो डैडी को. डैडी का बर्थडे है आज.
उसको लग ही नहीं रहा, जब तक केक लाओगे नहीं तब तक नहीं मानेगी। ये लो फिर डैडी को दे दो, तुम्हें छीलने के लिए दे रही हूँ। क्या कैंडी खोलो, इसके मच्छर काट गया लग रहा है, खुजली कर रही थी ना। ये देखो लाल हो गए पैरुल को, मेरे बच्चे को। तो मैं यहाँ पे खाना बनाने लग गई हूँ। यहाँ पे बन रही है खीर, पहले मैंने सोचा था बाद में बनाऊंगी लेकिन अभी बना दी। और यहाँ पे अभी समोसों का काम हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। मैंने अभी रेसिपी देखी है, मुझे भी नहीं आता क्योंकि मैंने शायद समोसे पहले कभी बनाए नहीं है, तो ट्राई करके देख रही हूँ शायद अच्छे बन जाए। मे गॉड ब्लेस यू बोलो, नहीं मना करो। अब हगी करो जल्दी से, स्टैंड अप होके, स्टैंड अप हो जाओ, हगी कर दो डैडी को। तो यहाँ पे समोसे की सारी तैयारी हो चुकी है, ये बना दिया है मैंने जो फिलिंग होती है, और ये थोड़ा चख के देख लिया अच्छी हो रही है खाने में। और ये मैदा भून के रखा है, और ये भी बन गई हमारी खीर जो अभी पहले भगवान को भोग लगेगी। बनते बनते लेट हो गया, पहले खीर मैं शाम को बनाने वाली थी, सोचा शाम को भगवान में रख देंगे, लेकिन अब बना दी मैंने। गरम हो रही है ना, भगवान जी गरम गरम खीर खाओ और आशीर्वाद दो। क्या हाफ कट हो गया? ऐसी तो बनता है। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता ना, मैं तो देख रहा हूँ पहली बार देखा। ऐसे लेते हैं और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं। मेन दिक्कत यही है कि फोल्ड है ना, फोल्ड और अच्छे से बंद होना चाहिए, नहीं तो खुल के सारा तेल में फैल जाएगा। वो जब अभी हम तुम वो देख रहे थे, शेफ की। हाँ। अच्छा मैंने ये जो रेसिपी फॉलो की है वो शेफ रणबीर की है, तो पंजाबी समोसे वाली वैसे वाली। तो वो थोड़ा उन्होंने नीचे रख के कुछ बता रहे ना, वो तुम तो वो स्टेप भूल गए। हाँ बैठने चाहिए समोसे। उन्होंने बैठने का तरीका अलग बताया था लेकिन हम ऐसे बैठा दिए। मुझे ऐसा तो लग रहा है ये खुलना है, चलो डाल लेते हैं। अब अग्नि परीक्षा देखते हैं कि क्या होने वाला है। अब गैस में एकदम अगर फट गया, चुप रहो यार, सारा तेल बर्बाद। अभी तक मुझे लग रहा है नहीं हो जाएगा, मुझे लग रहा है ना ये थोड़ी बड़ी बेलनी होगी, क्योंकि हाँ। अगर हम इसको मोड़ेंगे तो यहाँ पे जगह कम बच जा रही है, फिलिंग कम रहेगी, मैदा मैदा के इससे बड़ी होगी। तो ये है समोसे जो भी रेडी हो चुके हैं, ये रेडी होने वाले ही हैं, और ये फिलहाल हालत खराब है। भूख लग रही है सुबह से, बहुत टाइम भूख बहुत ज्यादा लग रही है और इंतजार हो ही नहीं रहा। और पता क्या हो रहा है कि मुझसे गलती भी हो रही है कि मुझसे बाइंडिंग नहीं हो पा रही, तो बहुत ज्यादा वो, और पेट में दर्द भी हो रहा है। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ठीक है, ये खुल गया, ये वाला सही बाइंड किया था, ये सही, ये थोड़ा अलग आराम से, ये थोड़ा अलग डिजाइन है और वो अलग है, टेस्ट लेकिन सेम है। टेस्ट यहाँ, टेस्ट कहाँ है, टेस्ट यहाँ है। हाय गाइस, कैसे हो आप? खाना खाए था? हाँ था। तो ये प्लेट रेडी है, चाय बनाने का प्लान हुआ था लेकिन चाय का प्लान हो गया कैंसिल, अभी हम केचप से ही खा लेंगे। ये लीजिए, हैप्पी बर्थडे। अरे प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में कितने मार्क्स? 10। जितनी देर तुमने लगाई। गरम हो रहा है। अच्छा थोड़ा खीर चख के देखो, खीर का मुझे पता नहीं है कैसे हो रही है। ये इसको हटाऊं मैं? नहीं खा, हटा दो, ये तो प्रेजेंटेशन था ना। समोसे लेकिन लग तो अच्छे रहे, नहीं खाने में देखो कुछ मोटे हो गए, ये कुछ पतले हो गए, ये थोड़ा जल गया, तेल गरम हो रहा है। अब मार्केट जैसे तो नहीं बने होंगे? और मसाले भी अंदर तेज नहीं है, बस एक थोड़ा पतला बन सकता था ना। इसमें तुमने जो बाहर का आटा उसमें कुछ डाला है? नमक, अजवाइन और घी। डिफरेंट लग रहा है। चलो मैं भी खाती हूँ, मुझे भी भूख लग रही है। ओलिवर को भी खाना दे दे, ओलिवर भी खा रहा है।
बर्थडे टू यू, आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आई लव यू। मुझे लगा तुमको लगे ढोलक वाला आ रहा है। तो वैसे सबको पता होगा कि हम लोग हल्द्वानी शिफ्ट हो गए थे, अगर नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। वैसे मैंने मिनी ब्लॉग में डालती थी, उसमें मैंने बता दिया था, सबको पता ही है ऑलमोस्ट। तो ये है हमारा घर और एक छोटी सी हमारी क्यारी है। पौधा इतना सा है, डंडी देखना उसकी, नॉर्मल अपने हाइट के हिसाब से लगा रखा है, उतना ऊँचा जाएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से हमारे कुछ मनी प्लांट्स हैं जो सिर्फ पहले हमारे पास यही था, अब हमने उसे एक्सपेंड कर लिया है। ये है पान का पौधा, इतना सा लाए थे हम इसे, अभी बढ़ रहा है काफ़ी। बाकी तो ये सारे मनी प्लांट ही है। ये भी ये है क्या था, मॉन्स्टर, ये है मॉन्स्टर, मिनी मॉन्स्टर। ये है कड़ी पत्ता, ये वाला जो प्लांट है वो ये वाला प्लांट था, बट हमने इसको काट दिया था नीचे से, अब इसमें भी आ रहा है और ये वाला भी रह गया है। तो ये है मेरा रीसेंट का एड ऑन, ये मैंने मेथी के दाने लगाए थे 4-5 दिन पहले, अब इतना हो गया, बड़ी जल्दी ग्रोथ हो गई इसमें। हाँ, उसमें भी मैंने वो लगा रखा है धनिया, बट मुझे कई मेंढक भी होते हैं। हाँ, ये इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, ये ऐसा ही है, मेथी ने बड़ा रैपिड ग्रोथ कर लिया है पीछे। और यहाँ पे भी कुछ गमले हैं, अरे बड़ा गमला, मेंढक है यहाँ पे। ये देखो, ये भी है हमारी एक फैमिली का हिस्सा, इसका नाम क्या है, मिस मैकेंजी है ना इसका नाम। ना वो लेके आता मैं मारूंगी। ये देखो, तुम्हारे हाथ में दूं? ये देखो कैसा लग रहा है, ले तेरे ऊपर गुलाब की बरसात कर देती हूँ। कौन से कलर का केक चाहिए आपको? लिम्बू केक। कौन सा? लिम्बू केक। कौन सा? व्हाइट केक। ओके, व्हाइट केक। और उस पे क्या बना होना चाहिए? चॉकलेट केक। ओके, चॉकलेट केक होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, और क्या हो उसमें? हाय गाइस, चॉकलेट केक। चॉकलेट केक आप मेरे लिए बनाओगे? चॉकलेट केक बेबी, जो मम्मा को दे दो, मम्मा से बोल दो मम्मा चॉकलेट बना दो। क्या बना दो? इसको खोल के, इसको लग रहा है इसके अंदर केक ही रह रहा है। इसको बनाने में टाइम लगेगा ना, मैं बना रही हूँ अभी, कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, बाय। ये देख, इसको ना खोल के ही दिखा देते, इसको लग रहा है कि इसके अंदर ना डायरेक्ट ही केक निकलेगा। ये क्या है? ये कुछ होगा, स्प्रिंकल शुगर। ओह अच्छा, ये लो, ये है केक, ले खा लो। खा लो, यही तो केक है। अब बनाऊंगी ना मम्मा, इसको बनाएंगी, बेक करेंगी और फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये लो, फेंक दिया। आ जाओ, तो गाइस अभी मैं ना ये वाला केक बना रही हूँ, बाहर से नहीं मंगवा रही क्योंकि नवल मना कर रहे हैं। अब इसमें क्या है ना, ये मिक्स आया था इसमें, ये वाला पैकेट मैंने इसमें डाल तो दिया है। अब इसमें लिखा है कि 120, अच्छा इन्होंने ना मेजरमेंट दे रखा है यार, मैंने खाली इसमें कर रही हूँ, इतना कि हम इसके हिसाब से दूध ले सकते हैं। वैसे मेरे पास ये भी है मशीन, 20 से 130 तक ले सकते हैं। ठीक है, इतना ले। दाल हमारी बॉइल हो गई है, बट वो जो समोसे बचे हुए थे ना वो हम लोगों ने खा लिए। हाँ, और पेट बहुत, और हमको अपनी एक मील कैंसिल भी करनी पड़ रही है। अभी देखते हैं, तो मतलब हमारा प्लान ये है कि हम लोग अभी जो दाल मखनी बना रहे हैं अभी खाएंगे कम, और रात के लिए भी हो जाएगा क्योंकि रिकॉर्ड रहेगा जब भी हम लोगों ने बनाया अगले 2-3 दिन। तो हाँ, पनीर वाला हम लोग स्किप कर रहे हैं अभी, अभी भूख भी उतनी लग नहीं रही है यार, बहुत ज्यादा हैवी हो गया, और खीर भी खाली साथ में है ना। अच्छा, तो मैंने अपना केक डाल दिया है, अंदर पानी डाला है, कटोरी रखी, उस पे ये रख दिया है, अब इसको ढक रही हूँ। इस पे तो ना कुकर वाला मेथड लिखा हुआ है, लेकिन जो कुकर है वो छोटा है और बड़ा वाला कुकर अंदर रखा हुआ है, अभी मिल भी नहीं रहा है, तो इसलिए अब फिलहाल ऐसे ही बना लेते हैं। स्टीम ही होना है, वो स्टीम होके पकना है, तो इसमें भी पक जाएगा। तो गाइस यहाँ पर अभी दाल बन के तैयार है, दाल मखनी, और केक भी हमारा आई थिंक बन चुका है ना, देखना। ये देखो, केक के साथ साथ दो आलू भी बॉईल हो चुके हैं, मुझे लगा हो गए। तो ये ना केक, ये इधर उधर हिल रहा था, तो पहले उल्टा करके रखा था शायद आपने, फिर उसके बाद सीधा करके रखा और दो आलू रखे, इसमें आलू भी बॉईल हो चुके। केक का नाम सुनते है देखो, तुम अपना तो खा रहे हो, उसको कुछ दे रहे हो? उसका भी तो बर्थडे है अगले महीने। हेलो,
खा भी लेगा, एक थोड़ा सा चाट के छोड़ भी देगा। अपना जो खाना अगर मैं उसको देता हूँ उसी में डाउट करता है। ओके, तो यहाँ पे रितु करने में लगी है केक को डेकोरेट, और अभी ये करके हम लोग एक वीडियो शूट करनी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कब से पेंडिंग है वो बनाने। क्या उठेगी ना, अभी सोई हुई है तो उसके बाद हम काट लेंगे। हाँ, मेनली ये नित्या के लिए सरप्राइज होने वाला, क्योंकि वो बहुत खुश हो जाती है केक देख के। और इसमें आपको जो ये चॉकलेट थी क्रैनबेरी वाली, तो उसको मैंने किसके साथ, अमूल मिल्क, अमूल क्रीम के साथ थोड़ा मैंने मेल्ट कर लिया है और वो लगा दिया। ठीक हो रहा है ना? अच्छा लग रहा है, अच्छे से बन भी गया। अब जाके हमको करनी है एक वीडियो शूट, उसके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लीन, थोड़ा सेटअप आपको चेंज लग रहा होगा। तो बेसिकली हमको करनी है इस टेबल की वीडियो शूट, मतलब मैं एक टेबल रिव्यू कर रहा हूँ और कुछ दिन से मेरे पास है, मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, तो अब जाके कैसा एक्सपीरियंस रहा और वो सब। अभी हम लोगों ने सिर्फ अनबॉक्स शूट किया था, अब जाके हम लोग इसको, तो ये ऐसा कुछ टेबल है, हाइट एडजस्टेबल वाली, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जब से आई है आपके हाई, हाँ रितु के हाइट से पता चल जाएगा। तो यही है, इसी पे हमको वीडियो बनानी है अभी। इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह कर ली थी, 4-5 दिन हो गए। हाँ, अब इसका जो फाइनल रिव्यू टाइप का होता है। हाँ, और मैं ज़्यादातर ऐसे ही करता हूँ कि मैं पहले जो प्रोडक्ट होता है उसको अनबॉक्स करके थोड़ा सा शूट करके रख लेता हूँ, मतलब रख क्या लेता हूँ, यूज़ करना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि मैं जो रिव्यू दूँ वो जेन्युइन हो, मतलब मेरे को एक्चुअल में पता चले कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, ये 125 तक जाएगा ना। क्या हुआ? दाल मखनी खाने के बाद इनका ये हाल है। तो 2 घंटे की बढ़िया नैप के बाद मेरी नींद खुली है, और नित्या मेरे पीछे पड़ी थी कि छत में चलूं, अब यहाँ आके बोर हूँ। इन सबको नींद से उठा के लाए हम लोग। मैं भी नींद में ही उठ के आई हूँ, ये मुझे आके बहुत परेशान कर रही थी। ये मुझसे नित्या कह रही पराठा बना दे, मैं खास पराठा बना ना बोलकर, मैं तो बर्थडे बॉय हूँ, मैं खुद ऑर्डर दूंगा, मैं खुद बनाऊँ। क्या हुआ ये कि जब नवल को नींद आने लगी तब नित्य उड़ गए। इनकी फाइट करवा दी यार नवल ने, हमेशा ऐसी सुबह भी तुमने करवाई थी, अब देखना। कितना मजा आता है लड़ाई देखने में। केक यहाँ पे है, नाइफ इसको दे दो। नित्या को केक काटने की इतनी जल्दी हो रही है, बार बार ये सड़ा हुआ नहीं उठा ला रही है। अच्छा रुको 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 नित्या, वेट करो वेट करो, मम्मा भी जल्दी जल्दी निपटा लिया। चलो हैप्पी बर्थडे बोलो पहले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जैनी, रुको 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 अभी नहीं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ये चलो अब केक काटेंगे। फूक किस में मारेंगे, ग्लो करो, ग्लो भी कर रही है, पर डैडी को तो ऐसे कट कर लेंगे। ये पत्थर तो नहीं बन गया, पत्थर तो नहीं बना, नहीं आपसे नहीं हो रहा, मार गए तुम चाकू भी, असली वाला ला रखा, रुक जाओ नहीं तो मैं खिला रहा हूं। बस अब डैडी खिलाएंगे, हाथ में लो यार चाकू से नहीं। हाँ, वो खाने के लिए भी तैयार हो रही है, ये देखना। अब डैडी को भी खिलाओ, डैडी को खिलाओ। हाँ मम्मा को चॉकलेट केक, कौन सा है, येलो ओलू। गुड बाय, हैप्पी बर्थडे नित्या का, नहीं है डैडी का बर्थडे है। मिकी माउस हंग्री है, इसको उसको चॉकलेट केक खाना है ना। इसका मुस्का मिकी माउस, जब तक एक केक खत्म नहीं होगा तब तक इसको चैन नहीं मिलेगा। हेलो इसके नाम पे केक लिया है आपने, ये तो नहीं खा रहा, तो पानी पीना है। किसको पीना है? मिकी माउस। ये मिकी माउस है ना। तो खाना खा के हम लोग हो गए हैं फ्री, अब मेरे पास है बहुत सारा काम, ये तो मैं एक कोरियन ड्रामा चालू किया है, उसको देखते देखते करूँगी। और ये देखो मेरे फ़ोन में क्या हो गया है, कुछ सॉफ्टवेयर का इशू है वन प्लस का,
और ये लाइंस पहले एक आई थी, अब पांच हो गई है। खैर जब तक काम चलता है चलाते हैं। जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे पहले तो कैट्स को बाहर नहीं निकालते थे, बट इनको भी धीरे धीरे बाहर आने का मन होता था तो हमने निकालना शुरू किया। पहले कैस्पर 4 दिन गायब रहा था, एक बार हम बहुत परेशान हो गए थे कि कुछ हो गया, बट आ गया था। अब ये ऐसे हैं कि यहीं रहते हैं, अपना घूमते फिरते आ जाते हैं, ज़्यादातर तो घर में ही रहते हैं। अरे चीकू तो उल्टा मत भाग, फिर रात भर शोर मचाता है। चलो चलो घर, वो देखना उसको परेशान कर रहा है। चलो कैचू खाना खाओगे फिर मिलो करोगे, चलो घर में चलो। तो नवल काफ़ी देर पहले सो गए थे, अभी नित्या सोई नहीं है, मैं भी सोने जा रही हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा आज का, पूरे 1 साल बाद किया था। और ओकेजनली करूँगी, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू कुछ करूँगी ब्लॉगिंग वगैरह, देखूँगी कुछ अच्छा होगा तो डाल दिया करूँगी। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन। पपलो पपलो, चलो बाय बाय।